तो हम लोग अभी निकल चुके हैं गुलिंग टॉप से खुलाड़ा की तरफ। अगर आपने पिछले वाला वीडियो ना देखा हो तो वो आप पहले देख लीजिए, या तो मैं थोड़ा समरी दे देता हूँ। ट्रैक का शुरुआत हुआ था पीपलकोटी से। उधर हमारे ट्रैकिंग कंपनी ट्रैक द हिमालयस के टेम्पो ट्रैवलर पे रोड ट्रिप करते हुए पहुँचे तुगासी गाँव तक। तुगासी से हमारा एक्चुअल हाइक या पैदल चलना चालू हुआ। पूरा गांव क्रॉस करके रोडोडेंड्रन जूस पी के हफ्ते हफ्ते हम पहुंच गए गुलिंग टॉप। गुलिंग टॉप पहुंचते ही बारिश ने हम लोगों का स्ट्रेचिंग सेशन पे पानी फेंक दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के अपना सामान लपेट के टेंट पैक करके ट्रैक लीडर से ब्रीफिंग लेते निकल पड़े खुदाड़ा कैंप साइट की तरफ। अब आगे अभी हम आ चुके हैं जंगल के अंदर से। ये नीचे पानी बह रहा है, ऊपर ये सुंदर रोडोडेंड्रन। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रॉसिंग आते रहेंगे। वो एक डॉगी है हम लोगों के साथ, वो भी जा रहा है। चलो इसको क्रॉस कर लेते हैं। जूता वाटरप्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ऐसे ऐसे पैर रखते रखते निकल जाएंगे इजी। पीछे पवन आ रहा है, बाकी लोग भी। फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ऐसे दिखते हैं। तो बस अभी चलते जाना है। बहुत सही है, आज नेचर के बीच से हाइक है। गांव वाँव तो नहीं आएगा, कैंप साइट से एक दो आ सकते हैं, बट कोई गांव नहीं है। ये पीछे कुवारी पास वाला ग्रुप, ये बाद में जाएंगे। हम भी कुवारी पास जाएंगे, बट कुवारी पास से भी आगे जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकले हैं, वो लोग अभी तक निकले नहीं। एंड अभी सब लोग खेल रहे हैं ढोगी के साथ। पीछे सब लोग चढ़ाई करके आ रहे हैं, और ये आगे कुछ ऐसा है, थोड़ा सा फ्लैट सरफेस, कीचड़, और उसके बाद ऊपर अगेन। अभी तक तो ग्रुप का पेस बहुत सही है। भैया भागते हुए आ रहे हैं। और वो जा रहे कुवारी वाले। हाँ, आगे कुवारी वाले, मतलब ब्रेक टाइम। पानी पीते रहो बस। अच्छा कैब भी ले लो, सब ले लो। तो रचित को मिल गया मैं। हाय, क्या हाल है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। यस, पवन तो दिख नहीं रहा, और नीचे से आ रहा हूँ। ऐसे स्ट्रीम्स आते रहते हैं। अब इस साइड से लग रहे हैं थोड़ा सा स्लिपरी हो सकता है, कोने कोने से चलता हूँ। पत्थर वो चढ़ रहे हैं। तो अभी इधर से स्नो चालू हो रहा है, ये ऊपर हल्का हल्का से दिख रहा होगा। तो इधर कुछ देर रुकेंगे, रीग्रुप होगा और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, अच्छे दिख रहे हैं, छाव भी है मस्त। और ये हमारा वन ऑफ द ट्रैक लीडर्स। ये भी अच्छा है, ये म्यूज से आ जाए तो साइड दे देना चाहिए। हाँ, ओए ओए ओए, टाइम का लेकर
फॉरेस्ट का मजा अच्छा है। अच्छा ये स्नो मिल चुका है, ठंड भी है थोड़ा सा, ये देख सकते हो ऐसे। ये पीछे रचित थोड़ा सा पैर भी फिसल रहे हैं। पहला स्नो है, हम लोगों ने माइक्रोस्पाइक या गेटर्स भी नहीं पहने तो थोड़ा सा स्लिपरी तो लगी है, बाकी सब एक नंबर बढ़िया। वो भाई साहब चलो वो चल रहे सब लोग ऊपर। मस्त अभी तो फिर से चालू कर दिए ट्रैक। अभी सामने का हालत कुछ ऐसा है और हम लोग के पास अभी माइक्रोस्पाइक है नहीं, फिसल रहे, कहीं भी पैर डालो फिसल रहे थोड़ा सा। ऑल्टीट्यूड प्लस फिसलन नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। पीछे भी लोग हैं तो, चलो उनका वीडियो आ जाओ, मैं थोड़ा और ऊपर चला जाऊँ, ऊपर जाता हूँ थोड़ा, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाके उनके लिए वीडियो निकाल लेता हूँ। सीन ऐसा है अभी, इधर से एक बार गिरा तो सीधा नीचे, और ये अबे ये ट्रेल है आगे सीधा। हाँ चलो चल लेता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। सब लोग आगे चल गए, हवा तेज चल रहा है इधर, अच्छा खासा तेज चल रहा है हवा, पता नहीं ऊपर क्या सीन चल रहा है। चुप 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 चुप, इधर गिरना नहीं है। चलो ओ ये कुछ प्लेन सा जगह है और सामने शायद हम लोग टेंट कर, हाँ उधर टेंट पिच भी हो रहा है, तो आज हम इधर ही रुकेंगे। वो ऊपर ही लोग कुछ बर्फ में खेल रहे हैं, इधर फोटो खींच रहे हैं। मस्त जगह है, एकदम एक नंबर जगह है भाई, भाई पूरा 360 व्यू माउंटेन्स का। वो आगे हमारा टीम चल रहा है थोड़ा सा आगे, हम वीडियो और फोटोग्राफ के चक्कर में पीछे रह गए, तो मैं भी चल लेता हूँ देखते हैं। आज के लिए तो इतना ही है, इट वॉज फन, इट वॉज क्वाइट गुड, मज़ा आ गया, एक नंबर था, एक नंबर। कैंप साइट पे स्नो, और क्या चाहिए भाई। फंगस चूल्हा शायद ऊपर है, और जो तेज़ हवा चल रहा है भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज। पहुँचता कैंप पहुँचता। इधर हम पहुंच चुके थे खुलाड़ा कैंप साइट पे, आधे टेंट्स ऑलरेडी पिच्ड थे और बाकियों को सेट करने में हमारे टीममेट्स व्यस्त थे। इधर से चारों तरफ माउंटेन्स बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। रचित ने हमारे लिए दो मैट लिए और हम निकल पड़े टेंट सिलेक्ट करने के लिए। इधर हमारे टीममेट्स फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे टेंट पिच किया जाए, तो मैंने सोचा थोड़ा हेल्प कर दिया जाए।
हवा भी तेज चल रहा है और ठंडी भी बढ़ने लगी है। हेल्प करने से पहले अपना टेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। जब तक मैं दूसरा टेंट सेटअप करने में हेल्प करता हूँ, तब तक रचित हमारे टेंट के अंदर का सेटअप भी कर लेगा। बैग लेके चलता हूँ अपना, अलग कौन सा है पता नहीं, देखते और एक टेंट बन जाएगा। हाँ हाँ दोनों बड़े बाहर हैं। ये टेंट रचित इसको अंदर ले सकता है, इसको ले ले अंदर। ओके होम स्वीट होम फॉर नेक्स्ट टू और थ्री डेज गॉड नोस। साइड पे डाल दे बस इसको। अगेन आई एम स्टेइंग विद, मैं थोड़ा कम लेता हूं। ओके आई विल बी स्टेइंग विद रचित। हाय एवरीवन। ओके वी डिड इट क्वाइट इजीली, लाइक खुदारा वाज इजी पीस ऑफ केक, लाइक नॉट पीस ऑफ केक बट या यस भावनाओं को समझो कर लिया। तो अभी हम लोग पानी ढूंढने निकले हैं खुदारा टॉप में। एक प्रॉब्लम यही है कि पानी का सोर्स बहुत कम है, जस्ट एक ही है आज के लिए, क्योंकि दूसरा वाला जो सोर्स था पीछे उस कोने में या इस कोने में वो अभी नहीं है, मतलब पूरा फ्रीज हो चुका है। तो बस ऐसे करके चल रहे हैं। मैं तो ट्रैकिंग शू निकाल के बाटा का सैंडल पहन के घूम रहा हूँ। वैसे गुलिंग टॉप में नेटवर्क था, इधर अभी कोई नेटवर्क नहीं है, नो नेटवर्क जोन हो चुका है। क्या कह सकते हैं, नेटवर्क की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो पानी ले रहा पानी। ठीक है बोल सकते हैं क्लीन वाटर, बस मिल आ रहा है पता नहीं क्यों। अभी पानी वानी सब मिल गया, ये हम चल रहे ऊपर। कुत्ते बहुत सारे इधर, डॉग इज ऑल अराउंड। वो देखो दो दो डॉग इज, व्यू देखो भाई सिर्फ व्यू। एक बार रूल बता दो इनको, एंड इफ यू हैव द सेम नंबर। ओके अचानक से स्नोफॉल चालू हो चुका है, तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे स्नोफॉल होते हैं। यस 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 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं स्नोफॉल तो हो रहा है ठीक ठाक। इसको थोड़ा खोल के रखते हैं, थोड़ा पानी वानी पीऊँगा, देन वी हैव टू लेयर अप। हम लोग होप कर रहे हैं कि परसों समिट के दिन पे मौसम ठीक हो और हम लोग ऊपर रहें, हमारे ट्रैक सफल रहे। यप फिंगर क्रॉस क्रॉस तो पीने का चाहिए, क्रॉस हो जाएगा, हो जाएगा सब हो जाएगा। अब भूख लग रहा है मेरे को पता नहीं क्यों, 11 बजे बिस्किट है। अबे रचित ये स्यांतन इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है भाई, देख लो। क्या केदारकंठा में भी यही होता,
नहीं नहीं अरे आज होगा, कल शनि है। कल शनि नहीं चाहिए, परसों चाहिए। परसों चाहिए? हाँ भाई भाई देख, कल हम लोग सायंतन कुआरी पास ही है, सायंतन का लास्ट मौका है। हाँ इसके बाद इसी को खुद छोड़ देना चाहिए ट्रैक पूरा। कि मैं छोड़ दूंगा, सच में बोल रहा हूँ, कल अगर नहीं हो पाया चला लगा था चौथा ट्रैक, कल अगर नेचर की वजह से नहीं हो पाया तो मैं छोड़ दूंगा। हाँ नेचर नेचर, हाँ नेचर बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें ऐसा। कैपेबिलिटीज पे तुम्हारे अगर सिगरेट पीने की वजह से हुआ है तो मैं वो अलग बात है, वो मैं सिगरेट छोड़ देता हूँ। इतनी जरूरत तीन वैसे नीचे वाले बार मजा आओ हमारे पेन में बहुत ही तगड़ा स्नोफॉल हो रहा है इधर, मस्त वेदर बना हुआ है और सामने ये लोग वीडियो ले रहे हैं। ऊपर जो पहाड़ है वो बहुत सही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सही दिख रहा है। एंड सब लोग बाहर हैं अभी, इस साइड से भी देख सकते हो आगे सब लोग बाहर हैं, वो ऊपर को ये खड़ा है, मस्त मज़े लेते हुए। क्या होता है ना, इधर से सब बर्फ निकल जाएगा तो अंदर ज़्यादा ठंडी नहीं होगी। अंदर ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, अगर बर्फ आ गई ना तो ठंडी कम होगी, बर्फ कम है। वैसा कुछ नहीं, भारी होकर दब जाएगा, भाई वो पिघल के गिर सकता है। हाँ ऐसे चांसेस कम है, चलते हैं सुबह को जमने वाला है। और सही है, ये लोग सही यूज कर रहे हैं। ग्लव्स व्लव्स तो नहीं पहने हम लोगों ने। ओके सो नाउ समथिंग स्पेशल, क्रिकेट एट ऑलमोस्ट 12,000 feet। एंड अभी सब लोग आगे देख ही सकते हो, सब लोग बहुत एक्साइटेड है। अभी जो स्नोफॉल खत्म हुआ और अभी हम खेलने जा रहे हैं, तो लेट्स चेक आउट। चलो कौन नेक्स्ट, एक तो छक्का दिखा दो। जाते हुए एंड मैच हैज बीन अबंडेंट ड्यू टू द स्नोफॉल,
अभी सारे प्लेयर्स पवेलियन की तरफ दौड़ रहे, चलो हम भी दौड़ते। नाइस। सीन ऐसा है कि अभी पूरा वाइट वाइट हो चुका है, अभी भी थोड़ा बहुत स्नोफॉल तो हो ही रहा है, तो इसीलिए अभी आज का जो एक्लोमेटाइजेशन वर्क है वो कैंसिल हो गया। तो हम डिसाइड किए कि मैं और ये पवन का रूममेट नहीं टेंट मेट हम दोनों ही निकल पड़े, थोड़ा बहुत पैदल चढ़ के आ जाएंगे। ये था जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, यही, और ये आगे का जो टीला दिख रहा है बस इधर तक चढ़ के आ जाएंगे, ये इधर तक, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। बाकी सूरज ढल चुका है, ठंडी अभी बहुत तगड़ा बढ़ेगी। चार लेयर है, ऊपर चार लेयर है, नीचे दो लेयर, तो ठीक ठाक ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी के लिए तो क्रैम्पॉन्स एंड गेटर्स नहीं डाले हैं, चल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर कुछ नहीं घुस रहा है, बर्फ़ नहीं जा रहा है। और हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर के लिए, देखते हैं आज डिनर में क्या है। पीछे पवन और रचित है, हेड टॉर्च लगा के चल रहे हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा ठीक से। तो ये रहा टेंट जहाँ पे डिनर लगता है, रस्सियों से देख के समझ गए। लेट्स सी वेदर वी हैव डिनर। ओके, प्लेट्स आ चुके, खाना नहीं आया, मोस बन चुका है, तो इसको अभी गिराना बहुत दिक्कत बन चुका है। और ये अगर नहीं गिरा तो अंदर पानी जाएगा, अंदर पानी गया तो रात को मुंह पे टपकेगा, पैर पे टपकेगा, बाकी सामान के ऊपर टपकेगा, कुछ नहीं होगा। देखते हैं कुछ जुगाड़ वगैरह लगाना पड़ेगा। ये मित्र अपनी टॉर्च